हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, ये जो आप फोन देख रहे हो ये है इन्फिनिक्स का GT20 Pro 5G वाला फोन। और आज हम करने वाले हैं इसमें गेमिंग टेस्ट, जो कि होने वाला है पबजी का। फोन का लुक डिजाइन आप देख सकते हो। ये जो फोन है ये है 12GB 256GB में, और ये फोन आपको 23,000 रुपये की आसपास जो है देखने को मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट के बाद। बात करें इसके जो परफॉर्मेंस की, जो प्रोसेसर है इसके अंदर वो मिलता है आपको मीडियाटेक का डायनेसिटी का 8200 अल्टीमेट का। और फोन भाई काफी तगड़ा रहने वाला है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक अगर आप इस वाले फोन को खरीदने की सोच रहे हो। तो गाइस, यहां पर आप देख ही सकते हो जो फोन है इन्फिनिक्स का GT20 Pro, और जिसमें हम करने वाले हैं पबजी का गेमिंग टेस्ट। तो यहां पर देख सकते हो फोन का जो लुक है, डिजाइन है भाई, काफी तगड़ा रहने वाला है। और कैमरे का सेटअप अच्छा मिल जाता है, बैक में आपको कूलिंग वगैरह का सारा सिस्टम है। तो गेमिंग के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है। फोन के अंदर अगर डिस्प्ले आप देखो तो काफी अच्छी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिस तरीके आप ये देख रहे हो। और डिस्प्ले के अंदर आपको जो है ना भाई 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो मुझे देख करके काफी बढ़िया लगा। चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ आपको चलेगा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और वही एक्सपीरियंस आपको गेमिंग के अंदर मिलेगा या नहीं, वो भी यहाँ पर हम ट्राई करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसको ओपन कर लेता हूँ गेम को। इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि इसका वेरिएंट क्या है, प्राइस क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, सारे फीचर्स की मैंने जो है वहां पर जाकर के बात करी थी। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने गेम को ओपन कर लिया, और गेम यहाँ पर आपको कैसा मिलने वाला है, कौन सी स्मूथनेस मिलेगी, कौन कौन से ग्राफिक्स मिलेंगे, कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखना। तो गेम मैंने अभी ओपन कर लिया, तो साउंड थोड़े से कम है, साउंड को भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अभी इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर थोड़ी सी अभी जो नेट की दिक्कत है वो यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले अभी देखो क्या है कि गेम तो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे वो करेंगे इसकी सेटिंग की। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद कंट्रोल में चलते हैं। और कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, जायरो वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एडवांस में चल के, बाकी अपने हिसाब से कर रखो। जायरो यहाँ पर आप देख सकते हो, जायरो ऑल पे है, ठीक है, ऑलवेज ऑल पे मैंने स्टेम कर रखा है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा ग्राफिक्स पे, जो सेंसिटिव वगैरह है वो आप अपने हिसाब से कर लेना कस्टमाइजेशन। इसके बाद आप ग्राफिक्स पे आओगे तो मैं ग्राफिक्स आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से ग्राफिक्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ के अंदर आपको मीडियम का, हाई का, अल्ट्रा का, एक्सट्रीम का और एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद आप जैसे ही आगे स्विच करोगे बैलेंस के अंदर, तो बैलेंस में यहाँ पर आपको जो है अल्ट्रा और एक्सट्रीम, लेकिन इसमें आपको एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ग्राफिक्स तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं HD पे स्विच करके दिखाता हूँ आपको। HD पे जैसे स्विच करते हो तो HD के अंदर भी आपको एक्सट्रीम मिलता है। इसके बाद हमारे फ़ोन में आता है HDR का ऑप्शन, तो HDR पे भी जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है अल्ट्रा HDR, जो कि मैंने अभी डाउनलोड नहीं कर रखा है, बट अल्ट्रा HDR के अंदर आप जो है अल्ट्रा तक खेल सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिक्स तो काफ़ी तगड़े रहने वाले हैं। अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम प्लस, जो इसके सबसे हाई ग्राफिक्स हैं, इसको मैंने कर दिया। करने के बाद बैक चलते हैं और एक यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ, और करते हैं सीधा यहाँ पर स्टार्ट। तो मैंने कर दिया यहाँ पर अभी गेम स्टार्ट, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर अब गेम की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, किस तरह की जो गेम की परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलेगी। तो गेम अभी फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और देखो भाई फोन जो है ना वो काफी तगड़ा लगा यार मुझे गेमिंग के लिए। खासकर ये है इन्फिनिक्स GT20 Pro, आपने देखा होगा, बट आप जो है यहाँ पर आप एक बार पहले गेम देखो। और यहाँ पर जायरो देखो मैंने चला रखा है, जायरो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फास्ट जो है जायरो हो रखा है। और इसकी ब्राइटनेस जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो मैं ब्राइटनेस आपको दिखा दूँ ऊपर से करके अभी। तो ब्राइटनेस देखो मैं इसकी फुल करके दिखाता हूँ कि आपको कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो ये देख सकते हो ब्राइटनेस मैंने इसकी कर दी है, बट मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पर कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ब्राइटनेस हल्की कम करके रखनी है, तो मैं हाफ कर लेता हूँ बस। और यहाँ पर आप चलते हैं, और आप चलते हैं बंदों को पेलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गेम प्ले आप जो है पहले एक बार देख लो, अब यहाँ पर धड़ाधड़ और भाई इसका जायरोस्कोप भी काफी तगड़ा चल रहा है। और यहाँ पर जो है स्मूथनेस जो है ना वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है भाई। बंदा इतनी जल्दी जो देख सकते हो ना, इतनी जल्दी देख भी नहीं पा रहा है जितनी जल्दी बंदे को हम यहाँ पर पेल रहे हैं अभी के टाइम पे। तो स्मूथनेस तो काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि काफी बढ़िया रहने वाला है। अगर आप जो गेमिंग खेलते हो 1v3 1v4, तो आप इजिली आराम से बंदे को भाई यहाँ पर पेल दोगे, ठीक है। तो गेम प्ले तो काफी आपको मस्त रहने वाला है। यहाँ पर स्मूथनेस बहुत ही जबरदस्त आपको मिल रही है। इसमें आपको हाई ग्राफिक्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें हम अभी सारी चीज़ें टेस्ट करके देखने वाले हैं। और ये मैंने M4 AK-MR3 ले रखी है यहाँ पर, और जिसका एम है ना वो भी काफ़ी तगड़ा यहाँ पर है भाई। दो गोली के अंदर यहाँ पर बंदा देख सकते हो गाइस,
तो 1v3 1v4 तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि गेमिंग के लिए काफी तकड़ा जो फोन है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं भी आपको ग्राफिक्स चेंज करके दिखाता हूँ। ये स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम थे, बट अब जो है मैं करने वाला हूँ बैलेंस के अंदर एक्सट्रीम। इसके बाद मैं एचडी के अंदर करूंगा और फिर एचडीआर के अंदर यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसके एफपीएस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एफपीएस अभी देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको सीपीयू वगैरह, यहाँ पर जीपीयू, यहाँ पर आपको 50% और यहाँ पर आपको 27% जीपीयू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। और एफपीएस देखोगे तो यहाँ पर अभी 59 आपको देखने को मिल रहा है। साइड में से मैं आपको अगर दिखाऊँ एक बार तो अभी ये देख सकते हो 59, 60, 70, 80 तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार इतना चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने उस पर करा था एक्सट्रीम प्लस पे, तो वहाँ पर आपको एफपीएस ज़्यादा मिल रहा था। तो अभी मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा सेम चीज। तो स्मूथनेस भाई काफ़ी तगड़ी है, बंदा भाई इतनी जल्दी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा आपको जितनी जल्दी आप उसको पेल दोगे। अब इसके बाद देखो मैं आपको ग्राफिक्स और आगे करके दिखाता हूँ और एफपीएस भी आपको धीरे धीरे दिखाते रहूँगा। और चलते हैं एचडीआर के अंदर, एचडी के अंदर एक्सट्रीम अब यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर आप एफपीएस देखोगे तो यहाँ पर एफपीएस जो इन्हें भाई ड्रॉप अभी करे थे, बट यहाँ पर आप 59 सेम चल रहे हैं, यहाँ पर 60 और 60 यानी 59 चल रहे हैं, इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं आ रहे हैं अभी, देख सकते हो आप कंटिन्यू चल रहे हैं इतने। तो चलते हैं यहाँ पर भी देखते हैं, 60 FPS लगातार चल रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सामने से बंदे हैं भाई, जायरो बहुत ही लाजवाब है गाइस इस वाले फ़ोन का। तो गेमिंग के लिए मैं बोलूँगा कि भाई गेमिंग के लिए तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो अगर आप एक गेमर हो, गेमिंग करते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहो फाइनली अभी, तो गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए है अभी। तो अब चलते हैं यहाँ पर सीधा, अब मैं आपको देखो यहाँ पर एक लास्ट वाले जो ग्राफिक्स बचे थे एचडीआर के अंदर, मैं उसको अभी करके दिखाऊंगा आपको। पहले चलते हैं पीछे साइड में, बंदा ये एक बंदा और है साइड में जस्ट इसके बगल में। तो टीममेट गाइस ये भी बंदा गया फाइनली अभी भाई 3। तो गाइस अब देख सकते हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके सबसे हाई ग्राफिक्स हैं, जो कि एचडीआर के अंदर है, एचडीआर में एक्सट्रीम मैंने इसको कर लिया। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि जो हमारा जो एफपीएस है वो कितना मिल रहा है हमें, तो बैक करके और एफपीएस देखोगे तो इसने थोड़ा सा एफपीएस यहाँ पर जो है ड्रॉप करा है, 50 के पास पास आ चुका है। पहले हमारा जो था 60 के आसपास चला था, 59 के आसपास, बट अब जो है 50, 49 चल रहा है कंटिन्यू। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं स्मूथनेस कैसी मिलती है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ स्मूथ के अंदर, जो है हमारा एक्सट्रीम प्लस था, ठीक है। तो ग्राफिक्स को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, एक बार आपको दिखाता हूँ एफपीएस स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम प्लस। और इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर एफपीएस कितने मिलने वाले हैं। तो एफपीएस यहाँ पर देखोगे तो अभी थोड़े से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50 पहुँच चुका है, 49 और 48, यहाँ पर जो है 60-70 तक यहाँ पर अभी पहुँच रहा था हमारा। तो गेम यहाँ पर फाइनली हो चुका है बिन। तो एफपीएस जो आपको इसमें मिल रहे हैं वो काफ़ी लाजवाब आपको एफपीएस देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 49, 50, 60 इतने मिल रहे हैं। तो गेमिंग के लिए भाई काफ़ी बेस्ट फ़ोन रहने वाला है, काफ़ी बजटेबल है, 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है 20K के आसपास आपको मिल जाएगा, जो कि है इन्फिनिक्स का GT20 Pro। एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना, तो गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।